क्रांति की टीम मौजूद है सफीदों के खानसर चौक पे, जहां पर रात जो हत्या हुई है एक महिला की, उसके परिजनों ने, उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने रोड जाम कर दिया है। खानसर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पीछे देखिए पानीपत रोड पे लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये आखिर मामला हुआ क्या है और वो क्या चाहते हैं। आइए अब हम जानते हैं परिजनों से आखिर ये मामला हुआ क्या है। जी आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिर क्या मामला हुआ है, किस लिए आपने रोड जाम किया। हमारी माँ मार गई जी पड़ोसिया ने, तो उन पर रात की अस्पताल में एडमिट हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। कब की घटना है ये? कल 9 बजे की है शाम की। तो अब सुनाई नहीं हो रही है जी, इसलिए हमें रोड जाम करना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहिए? उनको पकड़ो जिन्होंने मारी, वे घर में बैठे हैं जी, उनके ऊपर पुलिस भी पहरा दे रही है उनके घर का। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई नहीं की जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं। तो ये थे सफीदों से मृतका के परिजन, जिनका खुले रूप से कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा वो जो आरोपी हैं उनके घर की वो रखवाली कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा, उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं सफीदों से यशपाल कंज।